22 जून सन 2022, आज का पंचांग, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 22 जून सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज का राहु काल का शुभ समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त और बुलिक काल का शुभ समय क्या रहने वाला है, कौन सी दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, यानी आज का दिशा सूल कौन सी दिशा का है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ माह वर्षा ऋतु कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय हो। नवमी तिथि 8:46 रात्रि तक रहेगी, उसके बाद दसवीं तिथि होगी। आज का वार बुधवार है। आज रेवती नक्षत्र पूरे दिन भर व्याप्त रहेगा, जबकि आज सौभाग्य योग है, 5:31 प्रातः काल तक रहेगा और उसके बाद शोभन योग होगा। बात आज के करण की करें तो तैतिल करण 8:32 प्रातः काल तक रहेगा और उसके बाद गर करण होगा। राहु काल का शुभ समय आज 12:22 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा, दोपहर 2:05 तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:51 से लेकर के 12:45 मध्याह्न काल तक रहेगा और गुलिक काल का शुभ समय 10:38 प्रातः काल से लेकर के 12:20 मध्याह्न काल तक का होगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए। गुलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित कार्यों को करना चाहिए। ध्यान रहे आज का शुद्ध जो अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से लेकर के 12:20 तक का ही होगा, उसके पश्चात राहु कालीन अभिजीत मुहूर्त होगा और राहु कालीन अभिजीत मुहूर्त को भी ग्रहण न करें। आज का दिशा सूल उत्तर दिशा का है, तो उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचेगा। प्रतिदिन उत्तर दिशा की ओर जाते हैं अपनी नौकरी कामकाज व्यवसाय को लेकर के, तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम के लिए उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से हरे धनिया का सेवन करके ही उत्तर दिशा की ओर जाएं। जब भी घर से बाहर निकले उस समय देखें जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करें, निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। आज रेवती नक्षत्र है, यह नक्षत्र गंडमूल और पंचक दोनों का नक्षत्र है। पंचक की समाप्ति इसी नक्षत्र के साथ हो जाएगी, साथ ही गंडमूल का नक्षत्र भी है, तो जो जातक जन्म लेने वाले हैं उनकी गंडमूल नक्षत्र की शांति अवश्य कराएं और पंचक का विचार भी अवश्य करें। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा।